व्लॉग्स। हाँ हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर नेक्स्ट व्लॉग। दिस चौधरी ललित। कैसे हो गाइस? होप सबके सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं निकल पड़ा हूँ अपने डेस्टिनेशन पर। डेस्टिनेशन है अपना अंशुल के पास। अंशुल, ऑल यू नो, ही वॉज द पेलियन फॉर मी जब हम लोग गए थे अपना उज्जैन के लिए। सो आज जा रहा हूँ उससे मिलने के लिए। एक्चुअली भी कल वो निकल जाएगा पंजाब, तो पंजाब जाने से पहले एक बार उससे मिल लूँ भाई, क्या हाल चाल है उसके। हालाँकि अपनी भी हालत अभी सुधरी नहीं है, बट स्टिल वही है यार, अब थोड़ा चलना फिरना हो पा रहा है। एटलीस्ट वो चल फिर नहीं पा रहा है, तो उसके लिए तो चैलेंज है भाई, नो डाउट। बाइक पे है तो जाम वाम तो मिलेगा भाई। फरीदाबाद का अभी दिखा रहा है मुझे ये 1 घंटा 35 मिनट 42 किलोमीटर पे, तो मतलब वही 1.5 घंटा लगने वाला है मुझे उसके पास जाते आते, ताकि बैटरी होगी डाउन। बट फॉर्चुनेटली मैंने चार्जिंग पे लगा दिया उसे, क्योंकि मैंने चार्जर लगवा लिया था इस पर। हालांकि मीटियोर का अपना भी चार्जर है, चार्जिंग का स्लॉट दे रखा है मीटियोर में, और इसमें जो है फ़ोन होल्डर में एक स्लॉट और मिल गया मुझे, तो 2 स्लॉट्स हो गए हैं। बाइक वाले की शॉप मिल जाए, इसे कसवाना है मेरे को ज़रा। यार ये सेट हो जाएगा दोस्त, थाने के आ गया। चलो छोटे इसे कस देगा दोस्त। की है इसकी देखियो, ढीला वैसा नहीं, कैसे होगा इसमें ना शायद रबड़ लगती होगी, ये रबड़ नहीं लगाई इसने, वरना जाता नहीं कहीं। सारे के सारे YouTube चैनल है मेरा चौधरी ललित व्लॉग्स के नाम से, चौधरी ललित व्लॉग्स। हाँ ये पूरा दिखा था ना, ये डालूंगा डालूंगा तुम लोगों का सबका। चलो पक्का आएगा, पक्का सब्सक्राइब करना सबके सब, डालूंगा मैं तुम सबको। सारे के सारे नाम बता दो अपना अपना, नाम बताओ चलो सारे के सारे। दिव्यम, प्रिंस और सुभाष और नीयूष और आर्यन और ईशान, सबका आएगा भाई। ठीक है चलो फिर, बाय बाय। देख लो भाई बच्चे कितने क्यूट थे ना, बच्चों में बड़ी एक्साइटमेंट होती है ना व्लॉग्स में आने की ना। जिस टाइम पे मैं बद्रीनाथ गया था वहाँ भी कितने सारे बच्चे मिल गए थे भाई, और सबके चैनल बच्चों के चैनल स्टार्ट हो रखे हैं भाई, मज़ेदार बात ये है। बट बढ़िया है ना अपनी क्यूटी पार्टी। अच्छा मोटो व्लॉगिंग के लिए ना इसलिए मेरा मन करता है ज़्यादा, रिस्की तो है नो डाउट, बट मतलब इसका अपना ही क्रेज़ है यार। इसकी जो कम्युनिटी है ना बड़ी स्ट्रांग है भाई, मोटो ब्लॉगिंग की और बाइकिंग की कम्युनिटी जो है ना बहुत स्ट्रांग कम्युनिटी है इंडिया में। सो कोशिश करते हैं सैटरडे संडे में आपके साथ कनेक्टेड रहें और ऐसी बढ़िया बढ़िया सी वीडियोस डालते रहें आप लोगों के लिए। तो गाइस फिलहाल पहुँच चुका हूँ मैं तिमारपुर, और अच्छा खासा टाइम लग रहा है अभी, 1 घंटा 26 मिनट। तो अपनी राइड भी बढ़िया सी होने वाली है वीकेंड की। अनशुक्रिया, जैकेट भी मेरे पास ही रह गई थी, सो आज जैकेट भी उसे वापस से दे दूँगा भाई, और उसका एक्सपीरियंस दिखाता हूँ भाई, वो अपना एक्सपीरियंस बताएगा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस तो आप लोगों ने सुन ही लिया था क्या हुआ था क्या नहीं था। सो आज उसके मुंह से उसका एक्सपीरियंस सुनना भाई। उसकी कंडीशन भाई मैं तो कहूँगा बहुत ही ख़राब रही है, और वैसे अब जाके वो इम्प्रूव होना स्टार्ट हुआ है, उसे भी टाइम लगेगा। देखो उससे भी कम से कम 6 महीने लग जाएंगे अपने पैरों पर खड़े होने के लिए। हालाँकि सपोर्ट से वो चलने लगा है, उसने मुझे बताया कल। जो मेरे साथ कंडीशन है वो भाई अभी जो नर्व इंजरी है ना, नर्व इंजरी टाइम ले रही है मेरे साथ, क्योंकि मुझे चलते वक्त दिक्कत महसूस होती है भाई। ऐसा लगता है कि बिल्कुल ना एक गट्ठा सा बन गया भाई। और भाई ट्राइकलर दिख गया, जय हिंद जय भारत, क्या लहरा रहा है भाई, मस्त है ना। देखो ये बच्चे जो बैठे हुए हैं, इनके रिएक्शंस, बच्चों के रिएक्शंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं भाई। मोटो ब्लॉक को लेकर बच्चे ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं मुझे ऐसा लग रहा है। मेरे जितने भी आस पड़ोस के बच्चे हैं वो भी सारे एक्साइटेड रहते हैं कि भाई मैं सोच रहा हूँ जब मीटियोर के रिएक्शंस इतने बढ़िया आते हैं, तो हायाबूसा और फिर अपनी निंजा जो है दूसरी वाली, अपनी जो निंजा है उसके रिएक्शंस कैसे आएंगे भाई एक बार जब लेके निकलेंगे दिल्ली में। जय श्री राम, जय हो। सब पहुंचने वाले थोड़ी देर में ISBT, और दिखेगा हमें फिर से अपना भारतीय झंडा लहराता हुआ, ट्राई कलर दिख चुका है। गाइस पहुंच चुका मैं ISBT, थोड़ा ट्रैफिक फिल्टर करते हुए निकलते हैं भाई।
पहुंच गया बजरंगबली, यमुना बाजार वाला हनुमान मंदिर। भाई क्या धूप है आज, चिलमिलाती हुई धूप है। बेस्ट डे है आज राइड के लिए ना। मैंने अपनी सीट ना रखी हुई है भाई, वरना सीट और हो ना वो तो ऐसा लगता है बिल्कुल सिंहासन में बैठ गए भाई। मीटियोर की बहुत मज़ा आता है, वो लॉन्ग राइड्स के लिए, वो छोटी बड़ी राइड्स के लिए क्या निकाला है भाई उसे। गाइस पहुंच गए ITO। नाइट में तो आप लोगों ने देखी होगी वाली बिल्डिंग बहुत बार मेरे व्लॉग्स में, बट डे में देखो भाई आज। अच्छा गाइस ये देखो, मेरे दोनों हाथ ना हमेशा या तो क्लच पे भी रहेंगे और ब्रेक वाली साइड पे भी रहते हैं। हालांकि इसका ड्रॉबैक ये है कि आपकी क्लच भी जल्दी घिस सकती है और ब्रेक शू भी जल्दी घिसेंगे, बट इसका एक फ़ायदा भी है। देखो फाउंटेन देखो भाई क्या मस्त है ना। इसका एक प्लस पॉइंट ये भी है कि यू आर ऑलवेज रेडी फॉर द इमरजेंसी ब्रेक्स, ये होना बहुत ज़रूरी है भाई। मतलब बहुत लोग करते हैं बहुत लोग नहीं करते हैं, पता नहीं किस किस की आदत है भाई। मेरी आदत तो है ये दोनों को ले जाके ना, देखो क्लच भी मेरा जो है मैंने पकड़ा हुआ है उधर से राइट साइड से, मेरा ब्रेक पे भी हल्का सा हाथ है। जैसे ही इमरजेंसी की सिचुएशन आई लेट्स गो एंड पुश इट। ये बड़ा मज़ा आता है भाई फ्लाईओवर जब खुले खुले मिल जाए ना। दिल्ली 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 क्या लाइन लगी हुई है भाई। और यहाँ से आश्रम से हम लोग लेफ्ट ले लेंगे तो फिर पहुँच जाएंगे फरीदाबाद की तरफ, बदरपुर वाली साइड पे। वहाँ से फिर रह जाएगा, अभी 53 मिनट शो कर रहे हैं तो बस समझो एक घंटा सारा मान के चलो, जाम जूम लगा लो रुपये। पुलिस वाले भैया जो है उनका पैर जो है ना वो ऐसे हो गया था, मुड़ गया भाई पत्थर से ना, वो भी देख रहे हैं। बड़ी जोर की लगती है भाई, मैं जब मेरा भी एक दो बार हुआ था ना पैर ऐसे, बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है लिगामेंट टियर हो गए, जान निकल जाती है भाई एकदम से। जो मेरे जंगल सफारी वाले ट्रिप था ना उस टाइम पे हुआ था मुझे, एक नहीं दो बार ही हो भाई साहब, और सेम जगह पे मुझे बाइक पे चोट लगी। पता नहीं ऐसा क्यों होता है भाई कि जहाँ पे आपको एक बार चोट लग चुकी होती है ना वहीं पे कंटिन्यूटी में चोट लगती रहती है, पता नहीं क्या चक्कर है ये। छोटी मीटी और पहले मेरे पास थी एवेंजर, बैठने का पैटर्न सेम एवेंजर का, मीटी और थोड़ी सी ऊंचाई कर दी है बस इसकी, बट उसमें ना टांगे लगती थी मेरी कहीं ना, क्योंकि हाइट मेरी 6'2" है। सो एवेंजर का थोड़ा सा बस ये ड्रॉबैक था। बाकी भागती बड़ी सही है भाई एकदम ना, ये नोएडा एक्सप्रेस वे पे 140 टच करती कर दी थी भाई इसने 220 ने। मतलब इतनी मस्त इसका ग्रिप जो है ना रोड के साथ लग के चलती है, दैट्स वन ऑफ द बेस्ट फीचर। मीटियोर के साथ कुछ अलग कहानी है भाई, थोड़ी हैवी बाइक है, फिर स्टेबिलिटी के लिए इसे आराम से चलाना पड़ता है। मतलब रॉयल एनफील्ड की तरह ना भगाने वाली, तो भगाने के पर्सपेक्टिव से ये छोटी सी बाइक बहुत ही भागती है भाई 220 में ना। इस तरह के पैचेस बड़े खतरनाक है, बट सच में ना इसके जो सस्पेंशन हैं दे आर वेरी गुड यार। सस्पेंशन की क्वालिटी में पिलियन का तो कह नहीं सकता, बट जो राइडर के लिए ना उसके लिए सस्पेंशन बहुत मस्त है भाई। सोचो ट्रैक्टर के साथ हिट में सस्पेंशन भी चले गए थे अपने, पीछे वाले सस्पेंशन, आगे वाले तो चलो ठीक मतलब समझ में आती है, पीछे वाला सस्पेंशन भी गया। ये देखो भाई फिर एवेंजर टकरा गई। आगे आगे भागे जा रही है, छोटी सी बाइक है छुटंकी सी। मुझे अपने ऑफिस डेज की याद आ जाती है 2016 से लेके 2018 तक। इस वगैरह देखो बच्चों के लिए टैडी वैडी मस्त लग रहे हैं। इधर मत कर दियो एकदम से। आई हैव गॉन इलेक्ट्रिक, हाउ अबाउट यू? वी आर ऑल्सो इलेक्ट्रिक भाई, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक भरा हुआ है इक्विपमेंट्स। 28 मिनट रह गया भाई अंशुल के पास पहुँचने में, उसे मैंने कॉल कर दी थी कि भाई पहुँचने वाला हूँ मैं, तो ही इज़ ऑलरेडी देयर। कल वो निकलेगा तो सामान वामान की जो भी है भाई उसे पैकिंग वूकिंग जो भी चल रहे हैं चलेगी। तो वो सुबह कह रहा था कि सुबह 6 बजे तक निकलेगा तो सुबह मुझे मिलेगा उधर। मैंने कहा यार उससे तो बढ़िया चल मैं तेरे पास ही आता हूँ, तसल्ली में बैठ के मिलते हैं ना आराम से, फिर वो जल्दी रहेगी भागम दौड़ रहेगी, क्या फ़ायदा उस चीज़ में सुबह सुबह। तो है भाई ट्रैक्टर से दूर 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 ट्रैक्टर वाला। फ्लाईओवर पे पहुंच चुका हूँ भाई, तो फिर तो फरीदाबाद में तो एंट्री हो ही गई है जब इतना पहुंच चुके हैं। तो जैसे जैसे मैं उधर की तरफ जा रहा हूँ तो मेरे माइंड में वही वाला मॉर्निंग वाली जो चीज़ें हैं ना वो चलती जा रही है भाई। उस दिन जब मैं जा रहा था इसके पास तो बोला गया भाई टूल्स
से एस्केप करने का अपना तो होगा भाई। देखते हैं दिस वे। अभी 20 मिनट रह गए इसके पास पहुंचने में, तो वही अब तो फरीदाबाद के अंदर अंदर जो भी है वही रास्ता है 20 मिनट तो। तो भाई मैं पहुंच चुका हूँ वंशुल के आसपास ही, बिल्कुल 3 मिनट का रास्ता दिखा रहा है। और उस दिन भी मैंने इसको यहीं से बिल्कुल एग्जैक्टली इसी जगह से पिक किया था जब हम लोग उज्जैन जा रहे थे। यहीं से हम लोग यू टर्न लेके और वापस से आगरा वाले एक्सप्रेसवे पे चढ़ गए थे फिर।